वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम अजय है और आज हम लोग देखने वाले हैं वॉर्शल्स एल्गोरिथम। तो भाई वॉर्शल्स एल्गोरिथम होता क्या है और क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए अपने को पहले जानना पड़ेगा एक बेसिक टर्म जिसको बोलते हैं अपन क्लोजर। तो क्लोजर क्या होता है भाई, कि जो अपना रिलेशन होता है ना जिसको अपन आर से डिफाइन करते हैं, वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो अपन ने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ी है, जैसे कि अपनी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और अपनी ट्रांजिटिविटी। तो अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है और अगर हम चाहते हैं कि हम उसको ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक कुछ भी एक बनाएं, तो हमें उसमें जो हम जो उसमें एक यू कैन से सेट ऑफ रूल्स और अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोजर। सो बेसिकली वॉर्शल्स एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करने के लिए। सो इफ रिलेशन आर फॉर अ सेट इज नॉट ट्रांजिटिव, वी नीड टू अप्लाई क्लोजर टू मेक इट ट्रांजिटिव। This closure is known as transitive closure. तो भाई अब transitive closure find करने का जो method है उसको हम बोलते हैं Warshall's algorithm. तो एक बार अपन revise कर लेते हैं कि transitivity क्या होती थी, कि अगर A related to B है और B related to C है, so there will be a element known as A related to C. मतलब अगर 1,2 है और 2,3 है, तो 1,3 भी अगर present है तब मैं बोलूंगा कि वो relation मेरा transitive है, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन है जो कि ट्रांजिटिव नहीं है और हमको उसको ट्रांजिटिव बनाना है, तो हम वॉर्शल्स एल्गोरिथम यूज करेंगे और उसका फाइंड करेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर। तो जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है कि लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी और रिलेशन क्या है ए बी बी ए बी सी सी डी। तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि इसमें अपना जो है क्लोजर नहीं है, ट्रांजिटिविटी नहीं है ऑब्वियसली। सो अपने को जैसे कि देखो बी सी सी डी है पर बी डी नहीं है, ए बी बी ए है पर ए कॉमा ए नहीं है, तो हमको भाई इसका फाइंड करना है ट्रांजिटिव क्लोजर। तो मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे वो, तो या मतलब टोटली जो इसका है वो फाइंड करना है। तो अब अपन देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं। तो स्टेप वन क्या होगा कि पहले हम लोग ना डब्ल्यू जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। तो डब्ल्यू जीरो इज नथिंग बट एम आर, मतलब अपना बेसिक जो अपन रिलेशनल मैट्रिक्स लिखते हैं ना, रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही मेरा डब्ल्यू जीरो होगा। फिर डब्ल्यू जीरो मेरा जब मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे बनाऊंगा डब्ल्यू वन। फिर डब्ल्यू वन में मैं क्या करूंगा, इसके जो वंस होंगे ना जिस जिस पोजीशन पे सिर्फ वो लिखूंगा और उसके बाद नए वंस इसमें ऐड करूंगा, उसके बाद डब्ल्यू टू बनाऊंगा एंड सो ऑन अंटिल मेरे जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। जैसे अगर 3x3 है तो ऑब्वियसली पहला ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए, तो W3 पे मुझको मेरा आंसर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अपने को कंटिन्यू करना है अंटिल यू गेट द सेम मैट्रिक्स और यू कैन से रोज और कॉलम्स ही खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको ज्यादा स्टेप्स थियोरेटिकली नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैंने एक सम लिया है, तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो अभी ये सम है जो अपन ने एग्जाम्पल देखा ना, ये वाला रिलेशन। तो रिलेशन में क्या है अपना ए बी बी ए बी सी सी डी, तो ए बी बी सी ए ए बी ए और सी डी, उस पर हम लोग ने वन वन लिखा है, बाकी सारे जीरो है जैसे कि हम लोग लिखते हैं। तो अभी फिर अपना स्टेप वन क्या था, यही था, ये अपना स्टेप वन था, ठीक है। तो अब स्टेप टू क्या है कि अपन एक दूसरा लेंगे डब्ल्यू वन। तो डब्ल्यू वन में अपन क्या क्या लिखने वाले थे, पहले लिख लेते ए बी सी और डी, इधर भी लिख लेते ए बी सी और डी, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें ये 4x4 मैट्रिक्स है बराबर। तो अभी इसमें पहले जो नंबर ऑफ वंस जहां जहां है ना वहां लिख देता हूं। तो एक बी क्रॉस ए पे है तो एक बार इधर आ जाएगा, एक कहां है ए क्रॉस बी पे, एक कहां है बी क्रॉस सी पे और एक है सी क्रॉस डी पे, तो सी क्रॉस डी पे, ठीक है। और बाकी सारी जगह मैं कर दूं, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म मैं लूंगा पी आई और क्यू जे। तो अब जब ये डब्ल्यू वन है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में देखूंगा, अभी ये पहला मैट्रिक्स है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम पे जो एंट्री होगी वो कौन से नंबर पे है, 1 2, मतलब 1 की जो एंट्री है वो कॉलम में कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे ना, ए बी, मतलब सेकेंड नंबर पे। तो मेरा पी आई का वैल्यू अभी हो जाएगा 2। क्यू जे क्या होगा, तो पहले कॉलम में एक ही वन है तो एक ही पी आई आएगा। क्यू जे मतलब अब रो में कितने वंस है, तो एक ही वन है और कौन से पोजीशन पे, 2 पे। तो अब मुझे क्या करना पता है, ये दोनों जो मुझको मिल गया ना, तो मुझको 2x2 पे भी वन होना जरूरी है अगर मुझे ट्रांजिटिविटी चाहिए।
तो 2 क्रॉस 2 मध्ये क्या बी क्रॉस बी हो जाएगा, 1 2 1 2, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 हो गया अपना बी वाला, तो यहां पे भी मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हो गया, तो भाई बाकी को भर दो 0 से। अब मुझे नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरा करना होगा डिराइव, ठीक है। तो ये तो भर दिया मैंने, ये मेरा W1 बन गया। अब W1 को मैंने जैसे अभी W0 रेफरेंस में लिया था, वैसे अब W1 लेके मुझको बनाना है W2। तब मेरा ये स्टेप 3 हो जाएगा कि मुझको बनाना क्या है, W2 मैट्रिक्स। तो W2 में मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले तो बना लेते हैं ABCD, ABCD, ठीक है। अब इसमें से सारे वंस कॉपी कर लेते हैं, तो कहाँ कहाँ है, पहले तो यहाँ पे 3 है, 1 1 1, एक ऊपर है यहाँ 1, और एक है C,D पे, ठीक है। और बाकी सारे 0 थे उसमें, तो मैंने W1 से सारे वंस कॉपी कर लिए W2 में। अब वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब यहाँ पे आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं PIQJ, ये तुम लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ तुम्हारा एक तरह से रफ वर्क है, ठीक है। तो अब सेकेंड कॉलम में कितने वंस है, 2 है, तो भाई 2 कौन से पोजिशन पे, 1 और 2 पे, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, मेरा PI के वैल्यूज मिल गया मेरे को। और कुछ है सेकंड कॉलम में, और वन से नहीं, 2 ही थे, 1 और सेकंड पोजीशन पे। और सेकंड रो में कितने वन से, 3, कौन से पोजीशन पे, 1 2 और 3, तो यहाँ लिख दो 1 2 और 3। अब इसका निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये 1 1 1 2 1 3, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3। अब इतनी सारी जगह पे मेरे 1 होने चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करते जाते हैं, 1,1 पे है, नहीं है, तो भाई डाल दो। 1,2 पे है, हाँ है ऑलरेडी है। 1,3 पे है, नहीं, तो डाल दो। 2,1 पे ऑलरेडी है, 2,2 पे भी ऑलरेडी है, 2,3 पे है। तो अब मुझको मिल गया मेरा W2, तो बाकी जो वंस मिल गए वो तो ठीक है, बाकियों को मैं रिप्लेस कर दूंगा कैसे, 0 से, ठीक है, क्योंकि और कुछ बचता नहीं, ये सारी जगह पे मुझको 1 लेने थे, मैंने लिख दिए, ठीक है। अब मेरा स्टेप 4 क्या होगा, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स में बनाऊंगा W3, क्योंकि अभी तक मेरे रोज और कॉलम्स खत्म तो हुए नहीं है, तो भाई ये काम चलता रहेगा जब तक ये रोज और कॉलम्स खत्म ना हो जाते या मैट्रिक्स सेम नहीं आ जाती, ठीक है। तो ABCD लिख दिया, अब फिर इसमें से 1 कॉपी कर लो, तो ये क्या है, क्या है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक और एक यहाँ पे, ठीक है। अब अपना कौन से 3,3, मतलब अपना थर्ड रो थर्ड कॉलम देखना है, तो अभी लिख दो भाई PI और QJ क्या है इस केस में। तो थर्ड कॉलम में 2 है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, और रो में सीधा फोर्थ पोजीशन पे, बराबर, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा अभी अपना, तो ये 1,4 हो गया, और ये 2,4, मतलब 2 मुझ गए, मुझे और 2 जगह 1 डालना है, तो 1,4 पे है, नहीं है, 2,4 पे है, नहीं, तो ये 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो बस खत्म हो गया, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम खत्म हो गया, तो अब बस भाई बाकी जगह पे लिख दो 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, मुझे अभी भी मेरा एक रो बाकी है ना, एक रो एक कॉलम, मतलब अभी थर्ड रो तक हुआ है, पर है मेरा 4x4 मैट्रिक्स, तो मुझे और एक W4 मैट्रिक्स भी बनाना है अभी। तो ये W4 मैट्रिक्स हो गया मेरा, इसमें भी लिख देता हूँ ABCD, इसको भी बना देते हैं भाई ABCD। अब उसमें से वंस कॉपी कर लेते हैं, तो 1 1, सिर्फ एक यहाँ ज्यादा है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 0, ठीक है। अरे सॉरी, अपने को सॉरी सॉरी ये 0 लिखने नहीं थे, ठीक है। तो W4 को वापस एक बार बना लेते हैं, सॉरी, अरे फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब अपने को W3 से W4 में सारे वंस को कॉपी कर लिए। अब देखना है फिर फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के लिए, तो भाई फोर्थ रो लिख लो भाई, PI और QJ लिख लो इसके लिए भी। तो अभी अपना क्या है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, तो फोर्थ रो में पहले फोर्थ कॉलम देखेंगे, तो कॉलम में कितने हैं, 1 2 और 3 पोजीशन पे, और रो में कहीं भी नहीं है, तो मतलब ये नल है यहाँ पे, तो नल के साथ तो सब सेम हो जाएगा, मतलब नल के साथ तो टोटली नल ही हो जाएगा, मतलब इसमें से कुछ नहीं आएगा, तो मैं सारे को रिप्लेस कर दूंगा 0 से। तो इन शॉर्ट मेरा W4 मैट्रिक्स W3 मैट्रिक्स जैसा ही है, क्योंकि नए वंस कुछ इसमें ऐड नहीं हुए, ना ही निकले, मतलब निकलेंगे तो नहीं, पर ऐड भी नहीं हुए, सो दिस विल बी माय फाइनल मैट्रिक्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज द ट्रांजिटिव क्लोजर। तभी ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे लिखूंगा, आर लिखूंगा,
और फिर सारे एलिमेंट्स का काउंट लिखना, जहां जहां वन है वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो ए कॉमा ए कॉमा बी ए कॉमा सी ए कॉमा डी, तो ए कॉमा ए कॉमा बी ए कॉमा सी ए कॉमा डी, बी कॉमा ए बी कॉमा बी बी कॉमा सी, और कौन सा है बी कॉमा डी और सी कॉमा डी, ये मेरे सारे हो गए। तो ये मेरा पूरा रिलेशन बन जाता है विथ ट्रांजिटिव क्लोजर। तो इस तरह से मैं वॉर्शल एल्गोरिथम यूज करके ट्रांजिटिव क्लोजर करता हूँ फाइंड। सो गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और वॉर्शल एल्गोरिथम समझ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और हमारी वेबसाइट www.classroominstitutions.com पे आप ये पूरा कोर्स ले सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्स ले सकते हो आप वहाँ पे, आपके सेम से रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज है, तो एक बार प्लीज चेकआउट करो और लोगों को भी बोलो चेकआउट कर लें। हाँ अगर आपको नोट्स चाहिए DIM के पूरे हैंड रिटन नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो, क्योंकि यार एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ये तो देख लिया, उसमें और भी बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स है रिलेटेड क्वेश्चन से। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।